सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आप बहुजन समाज पार्टी को दोबारा क्यों चुना? और जो कहते हैं उनके नेता उसको पूरा करते हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों के साकार करने के लिए बहन जी संघर्ष कर रही हैं, और उस संघर्ष की कड़ी में हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग उनके साथ मजबूती से जुड़कर इस देश को आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। सर आपने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ा? जिले में कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी को मुट्ठी में बांध के लेके चलना चाहते हैं, कांग्रेस के हित के लिए काम नहीं करते हैं, और जब कोई बड़ा नेता आएगा तो वो कार्यकर्ताओं की बात को करने नहीं देते हैं। हमने अपना भविष्य बस बहुजन समाज पार्टी में देखा, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी को चुने और वहाँ जाकर के मिले बहन जी से, और बहन जी ने हमारे लड़के को सर पर हाथ रख कर के आशीर्वाद दिया। बहन जी ऐसी नेता हैं जो कहती हैं वो करती हैं। आज कप्तानगंज को आगे बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर सरकार का सहयोग चाहिए। हमें विश्वास है भविष्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और कप्तानगंज का विकास होगा। हमारे मन में एक सपना है, जो कप्तानगंज आज जर्जर हो चुका है, कप्तानगंज की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, पुल जर्जर हो चुके हैं, रास्ता चलना दूभर है। विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। जो लोग 93 से लेकर 2020 तक कप्तानगंज को कैप्चर किए, अचानक वो घबरा करके दूसरी पार्टी में चले गए। हमारा काम है संघर्ष करना। हम बुनियाद से चल करके कप्तानगंज को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। कप्तानगंज को चारों तरफ से सड़कों का जाल बिछाएंगे, लेकिन ये तभी संभव होगा जब बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता लग जाए, और सारे कार्यकर्ता सरकार बना करके प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन्यवाद।